इस मौके पर सिपाहियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। रामपुर से चली समाजवादी साइकिल यात्रा का लखनऊ में अखिलेश यादव ने समापन किया। इस मौके पर हजारों की तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। यात्रा लेकर के हरी झंडी दिखाई थी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने और आज उसका समापन हुआ है। रामपुर समेत कई तमाम जनपदों से चल करके ये जो यात्रा है वो समाजवादी पार्टी का पहुंची है। आजम खान और जवाहर इंडस्ट्री को बचाने के लिए यात्रा का आगाज हुआ था और वो कई जनपदों से होते हुए यहाँ पर पहुंची है। साइकिल यात्रा के समापन के मौके पर सपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करके एक ज्ञापन भी सौंपा। हम लोग ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को देने गए थे और उसमें कानून व्यवस्था भी और बेरोजगारी भी और लोकतंत्र खत्म हो रहा है, धरना प्रदर्शन करना इस प्रदेश में गुनाह हो गया है, यूनिवर्सिटी को हर हालत में बचाया जाए जवाहर विश्वविद्यालय, इन्हीं सब बातों को लेकर हम राज्यपाल से गए थे, उनसे डिटेल काफी विस्तार से वार्ता हुई। साइकिल यात्रा के समापन के बाद पीसी करते हुए अखिलेश ने कहा कि आजम खान पर फर्जी केस लिखे गए, समाजवादी कार्यकर्ताओं पर 10,000 से ज्यादा केस लिखे गए। अखिलेश ने कहा कि इस सरकार ने 4 सालों में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार डर की वजह से पंचायत चुनाव से भाग रही है। चार साल के बाद यही उपलब्धि उनकी है कि शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन और एमओयू के एमओयू, और अब जो 4 साल के बाद आया है जो पट्टियां लगी थी, शिला पट्टियां लगी थी उद्घाटन की शिलान्यास की, उनको तोड़ करके अपनी पट्टियां लगाना, ये स्तर है भारतीय जनता पार्टी का। 4 साल के बाद जब जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया हो, जो विधायक, पूर्व विधायक या संगठन के लोग जिन्होंने लगातार साइकिल यात्रा चलाई है, मौलाना जौहर उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी, आदरणीय आजम खान साहब ने जो बनाई उसके लिए आज जो ज्ञापन दिया है, हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले लोग, ये लोकतंत्र हमारा उतना ही पवित्र है जितना हमारा गीता पवित्र है। हमें उम्मीद है कि आज माननीय गवर्नर से हमारे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिला है, वो न्याय करेंगी और एक बार सरकार को फिर इशारा करेंगी कि ऐसे मुकदमे दर्ज ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चिन्हित कर करके इनकाउंटर्स हुए हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर की शिकायत अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है, और जाति और धर्म के आधार पर हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और यूपी में समाजवादियों की सरकार आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।